हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन एडिको यूनिवर्स। और आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जनरली हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी, आईबीपीओ, कोई भी एग्जाम नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जनरली इसमें क्या होता है कि टीचर्स बोलते हैं कि कोई ट्रिक नहीं लगती, ये प्रैक्टिस से हमें समझ में आता है कि कौन से लॉजिक से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है। तो ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि बिना प्रैक्टिस के ही काम चल जाएगा आपका, या फिर बिना प्रैक्टिस के ही आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन गाइस, जब तक ट्रिक्स नहीं देखेंगे, जब तक शॉर्टकट्स नहीं देखेंगे, तो कंपटीशन तक रीच कैसे करेंगे। तो गाइस, मैं आज फिर से आई हूं इस टॉपिक की कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइज, नंबर सिस्टम में कोई भी सीक्वेंस हो, पहले हमें चार प्रोसीजर फॉलो करने हैं। और वो चार क्या क्या लगते हैं, आओ वो देखते हैं। पहली फॉर्म हमें चेक करनी होती है हमेशा, जब भी हमें कोई सीक्वेंस दे दी फॉर एग्जांपल, तो हमें पहले चेक करना है कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, साथ में कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस बन जाएगी, उसमें टू से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस टू एड हो रहा हो हर जगह, या प्लस थ्री, प्लस वन, माइनस टू, माइनस वन, इस तरीके से। ठीक है गाइज, चलो इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 11, 24, 51 and 106, और उसके बाद पूछा है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो गाइस, उसको पहले हम चेक करेंगे अच्छे इसी स्टेप से जो हमें स्टेप फॉलो करने हैं। पहले तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, देखो गाइस, इसमें क्या कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस करके कुछ बन रहा है? हाँ जी, देखो ध्यान से देखना है सीक्वेंस को। जब इसमें हम इंटू टू प्लस वन करेंगे तो बनेगा हमारा क्या, 11, है ना। 5 into 2, 10 plus 1, 11। जब 11 इंटू टू करेंगे, इंटू टू प्लस टू करेंगे तो बनेगा 24। जब 24 में इंटू टू प्लस थ्री करेंगे तो बनेगा 51। 51 में इंटू टू प्लस फोर करेंगे तो बनेगा 106। तो इसके बाद जब हम करेंगे इंटू टू प्लस फाइव तो हमारा आएगा आंसर। तो गाइज, इसी तरीके से होगा हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है कि पहले हमें चेक करना है कुछ इंटू करके तो नहीं बन रहा है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 270। ठीक है गाइज, तो ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। इसमें जनरली प्रैक्टिस ही काम देगी कि पहले ये स्टेप चेक करना है कि कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके तो नहीं बन रहा है। गाइस, जो इसमें सेकंड स्टेप बनता है वो होता है हमारी स्टेप फॉर्म। अब ये स्टेप फॉर्म क्या होती है वो बात करेंगे हम। जो थर्ड होती है वो होती है इसमें मिक्स्ड सीरीज, ठीक है, मिक्स्ड सीरीज। और फोर्थ फिर हमें इलॉजिकल होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले जब भी हमें कोई सीक्वेंस दी गई है, हम पहले वन फॉर्मेट चेक करेंगे कि क्या बन रही है। अगर हमारा प्लस माइनस इनटू करके प्लस माइनस करके कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही है तो हमें नेक्स्ट पे जाना है स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म क्या होती है वो मैं भी आपको बताऊंगी। देन उसके बाद अगर स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हमें चेक करना है कि मिक्स्ड सीरीज तो नहीं है। और मिक्स्ड सीरीज अगर पहले तीनों ही पार्ट फॉलो ना हो तो वो ऑब्वियसली इलॉजिकल होगा। इलॉजिकल में थोड़ा सा दिमाग से अपना काम लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलॉजिकली उठा के आपको हर बार पेपर में दे देंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं इलॉजिकल आने के, लेकिन आते हैं इसलिए छोड़कर भी नहीं चल सकते। तो गाइज, अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसमें क्या लगेगा। देखो गाइज, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सीरीज फिर से बनाकर देखो, क्या कुछ भी इंटू करने के बाद प्लस माइनस करके क्या नेक्स्ट नंबर बन रहा है? तो देखो गाइज, जो 5 है, थोड़ा सा सोचो इसमें। देखो गाइज, इसमें अगर हम इंटू टू प्लस थ्री करेंगे तो हमारा 13 बनता है। क्या इसमें हम इंटू टू प्लस कुछ भी करेंगे तो हमारा 29 बन रहा है? हाँ जी, प्लस थ्री करने पे ही 29 बन रहा है। जब इसमें इंटू टू प्लस थ्री करेंगे तो 61 बन रहा है, यानी हमें अपना लॉजिक पता चल गया है इंटू टू प्लस थ्री का है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटू टू प्लस थ्री का है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 एडिंग जो हो रही थी, एक नंबर एड करके होती है, लेकिन यहाँ पर प्लस थ्री से ही बन रहा है सब में। तो लास्ट में भी इंटू टू प्लस थ्री करेंगे तो 125 इंटू टू प्लस थ्री होता है 253, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, 11, 20, 67, 128 एंड नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो गाइस अब देखो, इसको ध्यान से देखो, इंटू या प्लस माइनस करके कोई भी सीक्वेंस बनती हो तो पहले अपना स्टेप नंबर वन ही हमें देखना है। ठीक है, तो चेक करो सब, एक मिनट का टाइम लेके या वीडियो को पॉज करके देखो गाइस, इसमें ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं लगेगा तो हम जाएंगे अब
सेकेंड टाइप पे यानी स्टेप फॉर्म पे। स्टेप फॉर्म क्या होती है पहले वो ध्यान से सुनो, क्या करना है, इससे नीचे वाली स्टेप लेकर आनी है हमें, इसका क्या लेके डिफरेंस लेके, दो दो टर्म का डिफरेंस लेके। तो हमारा दो टर्म का डिफरेंस यहाँ क्या बनेगा 7, यहाँ क्या बनेगा 19, यहाँ क्या बनेगा 37, यहाँ 61। ठीक है, अब देखो गाइस, अब हमारे पास यहाँ क्या बनेगा वो चेक करना है हमें पहले। ठीक है, इसको छोड़ दो पहले, इतना ही देखना है। ठीक है, ये 61, क्या इस पे हमारा कोई लॉजिक बन रहा है, यानी ये प्लस माइनस करके या समथिंग कुछ भी, या कोई भी चीज हमें समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि ये भी थोड़ा एक, मतलब सारे ही नंबर अलग है, किसी का कोई से कनेक्शन नहीं लग रहा है, तो एक और स्टेप बना देंगे। देखो गाइज, ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, समटाइम्स फर्स्ट स्टेप में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब नहीं होता तो हमें स्टेप नंबर 2 फिर से बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसको फिर से बनाएंगे, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 12, इसका डिफरेंस 18, इसका डिफरेंस 24। गाइज देखो, अब यहाँ पे हमारा जो है लॉजिक हमें पता चल गया है कि ये हमारा कौन सा है, 6 का टेबल है, 12, 18, 24, तब क्या नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, 30 आएगा हमारा नंबर। अब ये जो 30 है ये दो नंबर का डिफरेंस है, यानी 61 के साथ किसी एक नंबर के साथ डिफरेंस है, तो 61 में ऐड कर देंगे 30, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 91, है ना। अब देखो 91 में से 61 जब घटाएंगे तो 30 ही आएगा। अब हमें यहाँ पे हमारा अपना आंसर चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो 128 जब उस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 91 आए, तो क्या करेंगे 128 में 91 हम अपना ऐड कर देंगे और ये नंबर बन जाएगा हमारा 219 और यही हमारा होगा आंसर। आई होप गाइज ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, नहीं आया तो और देखते हैं हम इसी टाइप से क्वेश्चन, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 7, 12, 19, 28, 39 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब गाइज इसमें हमें चेक करना है कि इसमें क्या लगेगा। देखो गाइज, इसमें फिर से वो प्लस माइनस इंटू करके कोई ट्रिक मतलब नहीं लग रहा है कोई भी लॉजिक, तो अब इसमें हम सेकेंड स्टेप फॉर्म पे ही जाएंगे, तो डिफरेंस करेंगे गाइस, तो इसका आएगा 5, इसका आएगा 7, इसका आएगा 9, इसका आएगा 11। तो क्या गाइस इनमें हमें कुछ समझ में आया लॉजिक? जी हाँ, इसमें हमारा लॉजिक लग रहा है। कौन सा देखो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, यानी हमारा अगले दो नंबर का सम मतलब डिफरेंस जो है वो 13 आएगा। तो 39 में 13 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 39 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 52। ऐड करके देख लेना गाइज, यही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। अब देखो गाइज ये क्वेश्चन, इसमें देखो इनटू प्लस माइनस पहले पहला स्टेप लगाकर देखो, लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा। फिर इसमें हम जब सेकेंड स्टेप फॉर्म करेंगे तो भी नहीं लगेगा, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। स्टेप फॉर्म जब इसका करेंगे तो आएगा 1, इसका करेंगे तो आएगा 5, इसका 7, इसका 65। अब देखो 7 के बाद डायरेक्ट 65, ये बहुत लंबा गैप हो गया, कितनी भी ट्रिक्स या कुछ भी लॉजिक्स लगा ले हम, ये हमारा नहीं कर पाएगा गैदर कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप फॉर्म भी हमारी नहीं लग रही है। अब देखो गाइज, अब आ गई हमारी थर्ड चीज, क्या मिक्स्ड सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि दो या तीन सीरीज इकट्ठे होती है उसमें, तो उसको पार्टीशन करके देख लेते हैं। अब देखो गाइज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये देखो इसको देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, एक सीरीज हो गई हमारी, आ गया होगा इतना समझ में, लेकिन हमें इस सीरीज के हिसाब से नंबर चाहिएगा। 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर यहाँ का आंसर होगा, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। ये होती है हमारी मिक्स्ड सीरीज, यानी दो या तीन सीरीज बन रही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। सबसे पहले गाइस वही चेक करना है कि इनटू प्लस माइनस करके तो कुछ नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, चाहे करके देख लो, क्योंकि 55 है, इसको इनटू मल्टीप्लाई कुछ भी करवा लो तो नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, स्टेप फॉर्म भी इसमें नहीं लगेगी, डबल एक नंबर एक साथ आते ही तो समझ ही जाओ कि वहां पे ना स्टेप फॉर्म लगेगी ना इनटू प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि गाइस इनका डिफरेंस फिर जीरो हो जाएगा और वो कहीं पे भी हम बीच में उसको एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ना स्टेप फॉर्म आएगी ना ही इसमें प्लस माइनस इनटू करके कुछ आएगा। तो अपनी थर्ड स्टेप पे जाएंगे मिक्स्ड सीरीज पे। मिक्स सीरीज देखो, क्या 2 का 5 के साथ कोई रिलेशन, फिर 5 का 11 के साथ कोई भी बना सकते हैं हम, पहले चेक करना होगा इस तरीके से। जी हाँ, बन रहा है यहाँ पे देखो, इंटू टू माइनस वन। देखो जब 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 1 ठीक है, माइनस वन नहीं प्लस वन, देखो इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 2 प्लस 1 11, 11 इंटू 2 प्लस 1 22 प्लस 1 23। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी सीक्वेंस में ये लग रहा है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस नीचे वाले में देखो,
यहाँ लगेगा इंटू टू माइनस वन, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव टू जा टेन, टेन माइनस वन नाइन, है ना। अब यहीं पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर, नाइन इंटू टू माइनस वन, तो क्या होता है, दैट इज सेवनटीन। ठीक है, नाइन टू जा क्या होता है एटीन, एटीन माइनस वन सेवनटीन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो गाइज ये थी मिक्स सीरीज की टाइप या मिक्स सीरीज किस तरीके से होती है। तो अब देखेंगे हम अपना फोर्थ इलॉजिकल। गाइज देखो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है इलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, इलॉजिकल के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो ध्यान से देखो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो इलॉजिकल के आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे और उसी टाइप में से आते हैं, गिने चुने टाइप ही होते हैं इलॉजिकल में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उठा के आपको कुछ भी दे देंगे। स्टार्ट करते हैं, देखो गाइज टू के बाद थ्री फाइव सेवन, क्या आपको कुछ भी दिख रहा है इन नंबर में कॉमन? जी हाँ दिख रहा है कि ये सारे प्राइम नंबर्स है, है ना, प्राइम नंबर है, टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम है, फिर उसके बाद फाइव प्राइम होता है, सेवन होता है, थर्टीन भी प्राइम है, सेवनटीन भी प्राइम है। तो यहाँ पे क्या मिस है, हमारा आंसर है नाइन, नाइन होता है आंसर और यहाँ पे लग रहे हैं हमारे प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये तो नंबर है, इनमें तो कुछ लग भी नहीं रहा, कैसे होगा कैसे होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ बीच वाले नंबर के हिसाब से देखो, यहाँ पे आ रहा है फाइव सिक्स सेवन एट, है ना, तो ऑब्वियस है अगले हमारे आंसर में बीच वाला नंबर क्या आएगा, नाइन। अभी दो नंबर की और फिलिंग करनी है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, फाइव का स्क्वायर क्या होता है, ट्वेंटी फाइव। देखो फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव, टू लिखा है फाइव लिखा है। सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, थर्टी सिक्स, थ्री और सिक्स। सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, फोर और नाइन। एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, सिक्स और फोर। नाइन का स्क्वायर क्या होता है, एट्टी वन, तो यानी एट और वन, ये होगा हमारा आंसर और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत ही अलग नंबर लग रहे हैं अजब गजब, जिनका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। देखो यहाँ सिक्सटी वन है, फिर यहाँ सिक्सटी थ्री है, फिर फिफ्टी टू, नाइनटी फोर, और इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने में हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इलॉजिकल थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या है, देखो ये है फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। अब बोलोगे पागल होगी ये लड़की, नहीं जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इसको जब रिवर्स पढ़ेंगे तो ये आएगा सिक्सटीन, इसको जब रिवर्स पढ़ेंगे तो ट्वेंटी फाइव, थर्टी सिक्स, फोर्टी नाइन, सिक्सटी फोर। अब समझ में आ गया होगा, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर, एट का स्क्वायर, यानी नाइन का स्क्वायर। नाइन का स्क्वायर होता है एटी वन, इसको रिवर्स करके लिखेंगे एटीन, हमारा आंसर होगा एटीन। तो गाइज इलॉजिकल क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं। नंबर सीरीज के सिर्फ चार ही टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, फर्स्ट इनटू प्लस माइनस, सेकंड स्टेप फॉर्म, थर्ड मिक्स सीरीज और फोर्थ इलॉजिकल फॉर्म। तो गाइज इसके साथ नंबर सीरीज हमारा बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक विद ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम जगह पर आपको ये ट्रिक्स देखने को मिलेगी कि आप लोगों को कोई बता पाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग गाइज कि इन इन क्वेश्चंस के जितने आप प्रैक्टिस करोगे, वो तो हमारा मेन है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतने ही हम सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नियर पहुंचेंगे, तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। बाकी मैं भी नंबर सीरीज की एक क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और जितनी भी ट्रिक्स लगती है इलॉजिकल फॉर्म्स की या मिक्स सीरीज की कुछ भी, वो सब देखेंगे ताकि हम अपने इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप नेक्स्ट भी टॉपिक्स को इसी तरीके से ट्रिक्स के साथ समझना चाहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो और अगले टॉपिक्स भी आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में समझ सकें। तो इसी के साथ लेते हैं, बाय बाय गाइज, गुड लक एंड सब्सक्राइब द चैनल।